दूर से जो जगह सुंदर दिखाई देती है शायद असल में वो वैसी ना हो, लेकिन उस जगह की खूबसूरती में खोकर लोग कब मुसीबत में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं ये तो उन लोगों को भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों हॉररलैंड में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 Eerie Names की मूवी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई एक जगह जहाँ पर 7 दोस्त नाव में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। इनमें शामिल होते हैं मेगन, जोश, डैनियल, कैट, लैरी, रॉब जो कि उस जंगल में आए थे, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता था कि वहाँ पर लाशों का पहाड़ है और उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वे सभी एक ब्रिज पर आकर रुकते हैं और अपना सामान उतारते हैं। उस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वे सभी उस बात को इग्नोर कर अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे जानवर भी थे जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सड़ी हुई थी और वहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उस जगह पर 2 और आदमी टॉमकिंस और कैप्टन थे जो कि डेड बॉडी के पास में कैमरास लगा रहे थे। वो जगह एक नेशनल पार्क था और वहाँ पर लोग डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं रख सकते थे। इधर वे सभी एक बस पर चढ़कर अपना सफर जारी रख रहे थे। लैरी को उस जगह के सभी रास्ते पता थे और सबको पता था कि उस जगह पर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता था। वहाँ पर सभी एक केबिन में आते हैं और वहाँ पर टॉमकिंस और कैप्टन उनका वेट कर रहे थे। सभी वहाँ पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आए हुए थे और उनका काम यही था कि इस जगह को स्टडी करना। टॉमकिंस उनको टीम्स में बांटकर सभी बातें समझा देता है और उनको रहने की जगह भी देता है। वहाँ पर फोन काम नहीं करते हैं तो उनको वॉकी टॉकी दिया जाता है। फिर यहाँ पर लैरी जब चुपके से सिगरेट पी रहा था तो उसकी सिगरेट एक ड्रम में गिर जाती है जिसमें काले कलर का लिक्विड बाहर निकलता है और वो लिक्विड उन वॉकी टॉकीज पर भी गिर जाता है और सारे वॉकी टॉकीज जलने लगते हैं। लैरी जब उनको वॉकी टॉकी को साफ करने की सोचता है तो उसकी उंगली जल जाती है। और इधर सभी अपने रूम में आते हैं जहाँ पर मरे हुए जानवर भी थे। अब फिर सभी को स्टडी के लिए उनको वहीं पर एडजस्ट करना था। टॉमकिन कैमरा से सभी जगहों पर नजर रखे हुआ था। अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए जाते समय लैरी उन सभी को वॉकी टॉकी साफ करने को देता है। फिर लैरी जाता है खाना बनाने के लिए। लैरी यहाँ पर मीट बना रहा था जिसका खून इधर उधर गिर रहा था। यहाँ पर मेगन और कैट लेक के पास वाले डेड बॉडी के पास जाते हैं और जॉश और पैट्रिक बस के पास पड़ी हुई डेड बॉडी के पास जाकर उसका वीडियो शूट करते हैं। साथ ही साथ डेड बॉडी की हालत पर भी ये बातें कर रहे थे। रॉब और डेनियल भी कार के पास पड़ी एक डेड बॉडी के पास जाते हैं और उस डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे। डेनियल उस डेड बॉडी के पास में स्किन का सैंपल ले रहा था और कीड़ों की लंबाई देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लाश एक हफ्ते पहले की है। टॉमकिंस उनको सूरज डूबने से पहले वापस आने को कहता है और इस तरफ लैरी मीट के कुछ टुकड़े गायब देखता है और वहाँ पर वही ब्लैक कलर का लिक्विड पड़ा हुआ था। लैरी ये बात जानकर टॉमकिंस को बताता है, लेकिन टॉमकिंस को बस अपनी रिसर्च से मतलब था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पर कोई रह रहा है या नहीं। वो लैरी को उसका काम ठीक से करने को कहता है और लैरी वापस अपने खाने बनाने के काम में लग जाता है। इधर जॉश और पैट्रिक जब अपना काम कर रहे थे तो पैट्रिक के हाथ से उस बॉडी का फ्लूड गिरता है और जॉश उसे कुछ कॉइन्स टेस्ट करने को देता है जो कि डेड बॉडीज पर लगी हुई थी। लैरी मेगन और केट को खाना देने के लिए जाता है और वो रास्ते पर मिली उन डेड बॉडी के बारे में बताता है। टॉमकिंस उसे यह सब बोलने से मना करता है और केट वहां से उस दूसरी लाश को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन टॉमकिंस उसे वो लाश छोड़कर मेगन के साथ ही काम करने को कहता है। केट जब वहां से जा रही थी तो लैरी उस लाश को हिलता डुलता देखता है और वो ये बात केट को बताता है, लेकिन केट इस बात पर विश्वास नहीं करती है और उसके जाने के बाद में वो लाश सच में उठकर खड़ी होती है। उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड भी निकल रहा था। और इधर लाश को स्टडी करते समय भी रॉब को जंगल के आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। केट भी यहाँ पर मेगन को उसी डेड बॉडी के बारे में बताती है, लेकिन मेगन के अनुसार में उसको उन्हीं डेड बॉडी पर रिसर्च करना चाहिए जिन पर उनके प्रोफेसर टॉमकिंस ने कहा था। लैरी जब खाना देने के लिए सभी के पास जा रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वही डेड बॉडी जंगल में घूम रही थी। लैरी भागता है और एक जगह पर टकराकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वॉकी टॉकीज की बैटरी खत्म होने की वजह से रॉब और पैट्रिक केबिन में वापस आ रहे थे। तभी रॉब को कोई दिखाई देता है और पैट्रिक को भी इस बात को बताता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है। टॉमकिंस सभी को वापस केबिन के पास बुला रहा था, लेकिन वॉकी टॉकी का सिग्नल नहीं मिल रहा था और लैरी का भी कोई अता पता नहीं था। केट उस घर में वापस जाकर देखती है और वहाँ पर वो डेड बॉडी है कि नहीं और उसका भी वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। वो वापस केबिन के पास में आने लगती है, लेकिन उसे आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी वो डेड बॉडी केट की आवाज़ सुनती है और उसी की तरफ आने लगती है। केट इसे देखकर डर के मारे भागती है और वो डेड बॉडी बिल्कुल जोम्बी जैसी दिखाई दे रही थी और इसीलिए अब से हम उस डेड बॉडी को जोम्बी बुलाएंगे। वो जोम्बी भी केट के पीछे आ रहा था
और कैट कांटों के बीच में फंस चुकी थी। उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी उसके नाखून को उखाड़कर उसे खा लेता है और धीरे धीरे वो उसका पूरा हाथ खाने लगा था। कैट भी वहां पर फंस चुकी थी और निकल ही नहीं पा रही थी और उन कांटों की वजह से कैट की एक आंख भी निकल गई थी। ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर धीरे धीरे खा रहा था और इसीलिए कैट को इतनी आसान मौत भी नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। पैट्रिक और जॉश को भी बाकियों की खबर नहीं मिल रही थी और बस अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। तभी जॉश को उनके पास से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है तो केबिन की तरफ आने लगते हैं। इस तरफ मैगन कैट को ढूंढने निकलती है और उसे कुछ ही दूरी पर कैट जख्मी हालत में दिखाई देती है और वहीं पास में ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ था। मैगन कैट को पास ही के एक केबिन में लाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन कैट कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देती है और वहीं पर मारी जाती है। मैगन फौरन उस केबिन का डोर बंद कर लेती है और इधर लैरी टॉमकिन के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, उनको जल्दी ही सभी स्टूडेंट को वापस लेकर जाना चाहिए। लेकिन टॉमकिन उसकी बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो स्टूडेंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और लैरी को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। इस तरफ वही ज़ॉम्बी कार वाली ज़ॉम्बी की उंगलियाँ निकाल कर खा रहा था। टॉमकिन यहाँ पर देखता है कि वॉकी टॉकी पर वही ब्लैक कलर का लिक्विड गिरा हुआ है। रॉब और पैट्रिक के जाने के बाद में टॉमकिन उनको कोई और वॉकी टॉकी लाकर दे देता है लेकिन उन पर भी वही ब्लैक लिक्विड गिरा हुआ था। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था तो लैरी और टॉमकिन उसे ठीक करने में लग जाते हैं। मैगन देखते है कि कैट अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और कैट मैगन को खाने के लिए उसी की तरफ आती है। यहाँ पर लैरी देखता है कि वो ज़ॉम्बी उनके केबिन के पास में खड़ी है और तभी दरवाजे पर जॉर्ज और पैट्रिक भी आते हैं। लैरी उनको अंदर लाकर कहता है कि डेड बॉडीज जिंदा हो चुकी है और इस तरफ रॉब और डेनियल को वापस आकर डेड बॉडी की आंतड़ियां निकली हुई दिखाई देती है। डेनियल के मुताबिक ये उनके प्रोफेसर टॉमकिन ने किया है ताकि वे लोग डर जाएं, लेकिन रॉब को ऐसा नहीं लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है तो वो वहाँ से केबिन की तरफ अकेले जाने लगता है। इस तरफ टॉमकिन के आने के बाद में लैरी और जॉर्ज उनको ज़ॉम्बी के बारे में बताने लगते हैं लेकिन टॉमकिन को ये बस उनका बहाना लग रहा था ताकि उनको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं करना पड़े। इधर रॉब अपना रास्ता भूल गया था और उसको वो ज़ॉम्बी नजर आता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। रॉब अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक जगह पर आता है जहाँ पर चारों तरफ फेंस लगी हुई थी। वो फेंस का लॉक नहीं खोल पाता है और दोनों ही तरफ से वो ज़ॉम्बी आ रहे थे और उसके पास में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बहुत कोशिश करता है फेंस के ऊपर से निकलने की लेकिन दो ज़ॉम्बी से वो बच नहीं पाता है और दोनों ही ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर खा लेते हैं और यहाँ तक कि वो उसके पेट को भी फाड़ देते हैं। रॉब ये सभी दर्द महसूस कर रहा था और इधर केबिन में सभी डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। डेनियल भी केबिन के पास में आता है लेकिन उसे रॉब यहाँ पे नहीं मिलता है। मैगन की भी कोई खबर नहीं मिल रही थी तो डेनियल एक हैमर लेकर मैगन को ढूंढने के लिए निकलता है और जॉर्ज और पैट्रिक रॉब को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन रॉब तो कब का ज़ॉम्बी बन चुका था। मैगन अब उस केबिन से नहीं निकल पा रही थी और तभी कैट भी उस शेल्फ से निकल गई थी। मैगन एक हथियार कैट के मुंह में डालकर उसे दीवार पर ठोक देती है और वो कैट को किसी तरह रोक ही रही थी कि तभी केबिन का फ्लोर तोड़कर रॉब जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो भी अंदर आने लगा था। कैट को वहीं फंसाकर मैगन रॉब के पास आकर उसके मुंह में एसिड फेंकती है और रॉब पूरा जलने लगा था। फिर एक लकड़ी के टुकड़े से वो उसके गले को काट देती है लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा था। कैट भी अपने मुंह को फाड़कर मैगन की तरफ आ रही थी और तब मैगन एक लड़की उसके सर में घुसा देती है और तब जाकर कैट मारी जाती है। अब फिर कलेक्ट किए हुए डेड बॉडी के सैंपल को लेकर मैगन उस केबिन के अंदर चली जाती है और रॉब भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तब मैगन फेस पर ऐसा केमिकल लगाती है जिससे कि रॉब की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात हो रही थी। लैरी केबिन के डोर को कील से बंद कर रहा था और तभी वहां पर ज़ॉम्बी आता है। टॉमकिन्स उसे शूट करता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मरा है या नहीं। तभी उनको दरवाजे पर आवाज़ें सुनाई देती है और उनको लगा था कि ये स्टूडेंट्स होंगे। वो लैरी के मना करने के बाद भी टॉमकिन डोर को खोल देता है और अचानक वही दोनों ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हैं। टॉमकिन गोली भी चलाता है लेकिन उन पर उस गोली का कोई असर नहीं होता है। लैरी किसी तरह से टॉमकिन को अंदर लाकर डोर बंद कर देता है और इधर मैगन को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी के सर पर वार करने से वे मर जाते हैं तो इसीलिए वो कैट के सर से लकड़ी निकालकर उस केबिन से बाहर जाकर उस केबिन के बाहर खड़े ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाती है। ज़ॉम्बी उसके पास आने लगता है और तभी उस केबिन में डेनियल आता है। वो कैट को वहाँ पर इतनी बुरी हालत में मरा हुआ पाता है। मैगन उसे पास लाकर उसे चुप रहने को कहती है। उसी समय ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर कैट को खाने लगते हैं और उसी मौके में ज़ॉम्बी की पीठ पर मैगन वार करती है
और डेनियल उसका सर पर हैमर से मारता है, लेकिन उन लोगों का वार सही से निशाने पर नहीं लगता है, तो वो दोनों वहां से भागते हैं। लेडी और टॉमकिंस ने भी जोम्बी को अच्छी तरह बंद कर दिया था और उस जोम्बी ने टॉमकिंस को भी काट लिया था और वो अपने घावों पर अल्कोहल लगाता है। लेरी जोम्बी को जलाने के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा था, टॉमकिंस की गन बाहर रह गई थी, तो लेरी और टॉमकिंस उस गन को लेने के लिए जाते हैं। वहां पर एक जोम्बी बाहर किचन एरिया में पड़ा हुआ था और मीट खा रहा था। टॉमकिंस लेरी को केबिन के अंदर जाने को कहता है, लेकिन केबिन के नीचे भी एक जोम्बी आ गया था क्योंकि वहां पर टॉमकिंस का खून पड़ा हुआ था और उस खून को सूंघते सूंघते वो जोम्बी केबिन के फ्लोर को तोड़ने लगता है। लेरी डरकर टॉमकिंस को बुलाता है, लेकिन टॉमकिंस तो दूसरे जोम्बी को मारते ही जा रहा था और उस जोम्बी को वो गोली मार मार कर मार डालता है। इधर लेरी अल्कोहल जलाकर जोम्बी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग जली रही थी कि तभी लेरी वो बॉटल जोम्बी के सर पर मारता है और अपने पैरों से जोम्बी को लात मारने लगता है, लेकिन जोम्बी उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों पर काटने लगता है। टॉमकिंस उसकी मदद के लिए आता है और उससे पहले जोम्बी उसे फ्लोर के नीचे ले जाता है। टॉमकिंस के पास आने तक जोम्बी लेरी को कहीं और ले गया था। फिर मैगन और डेनियल को लेरी एक जगह पर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है और कुछ ही समय में वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। मैगन उसके सर पर वार करके उसका किस्सा वहीं पर खत्म करना चाहती थी, लेकिन डेनियल उसे वहां से ले जाता है। उनके जाने के बाद में लेरी भी जोम्बी बन चुका था और वो दोनों बस पर आते हैं। वहां पर टॉमकिंस आकर उनसे बाकियों के बारे में पूछता है और मैगन उनको कह देती है कि कैट, लेरी और रॉब सभी मर चुके हैं। टॉमकिंस उन सभी को बस के अंदर ही रहने को बोलकर वो जॉर्ज और पैट्रिक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपना गन भी मैगन को दे देता है। यहाँ पर उस बस के नीचे भी एक जोम्बी पड़ी हुई थी और मैगन अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी क्योंकि उसी का ये आइडिया था कि वे सभी इस प्रोजेक्ट को करेंगे। डेनियल उसे विश्वास दिलाता है कि वे लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और इस तरफ जंगल में जॉर्ज और पैट्रिक के पीछे एक जोम्बी पड़ गया था। वे लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और पैट्रिक को वो जोम्बी मार ही देता है, लेकिन जॉर्ज और पैट्रिक उस पर कुल्हाड़ी से वार करके भागते हैं, लेकिन फिर भी जोम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोनों उन्हीं फेंस पर आते हैं जिसके दोनों ही तरफ जोम्बी थे। फिर किसी तरह वे दोनों बस तक आकर पहुंचते हैं और बस का डोर बंद कर लेते हैं। जोम्बी डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे और बस पर भी अटैक कर रहे थे और वे लोग बस को स्टार्ट करके जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक जोम्बी बस पर लटक रहा था। पैट्रिक लात मारकर उस जोम्बी को गिरा देता है और बस की आवाज मैगन को भी सुनाई देती है, लेकिन उनको बस के बाहर लेरी घूम रहा था तो वो खामोश रहते हैं। कुछ समय के बाद में मैगन बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए, लेकिन बाहर अभी भी लेरी था। मैगन लेरी पर गोली चला रही थी, लेकिन गलती से वो डेनियल को लग जाती है। लेरी डेनियल को काटने वाला था, लेकिन मैगन उसका सर पर शूट कर देती है। मैगन डेनियल को उठाकर ले जाने लगती है और रास्ते में उनको जॉर्ज और पैट्रिक मिलते हैं। वो बस रोककर अंदर आने लगते हैं और रास्ते पर जो भी जोम्बी मिलता है वो उनको कुचलकर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वहां पर वो बड़ा जोम्बी मर ही नहीं रहा था और उनका बस भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो जोम्बी बस के ग्लास को तोड़ने लगता है और वो जोम्बी पैट्रिक को काटने वाला था कि तभी बस भी उसी समय पर चल देती है और जोम्बी पैट्रिक को छोड़ नहीं रहा था, जिससे कि हड़बड़ी में वो बस के केबिन में जाकर टकरा जाती है और पैट्रिक वहीं पर मारा जाता है। मैगन जॉश को बस चलाने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो जोम्बी बस के अंदर आ गया था और मैगन पर अटैक करने वाला था, लेकिन डेनियल जोम्बी के सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। जॉश बस को चलाकर ले जाने लगता है और गोली की वजह से डेनियल की भी हालत अब खराब हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ नहीं दिखने की वजह से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉश को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। मैगन उसके पैर की टूटी हुई हड्डी को सेट करके उसे सही जगह पर लगा देती है और सभी एक दूसरे को संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय में बस का ऑयल लीक होने की वजह से बस भी ब्लास्ट हो जाती है और वे सभी लोग एक घर में आ गए थे। वहां पर डेनियल रेस्ट कर रहा था और मैगन और जॉश सभी तरफ नजर रखे हुए थे। मैगन को वहां पर एक जोम्बी आता हुआ नजर आता है, लेकिन उस पर मैगन की गोली नहीं लगती है। वो जोम्बी मैगन के पीछे आता है और एक भी गोली जोम्बी के सर पर नहीं लगती है। उस गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और मैगन के ऊपर वो जोम्बी झपट देता है, लेकिन सही समय पर जॉश जोम्बी के सर पर एरो घुसाकर उसे मार डालता है और किसी तरह मैगन की जान बचती है। अब सुबह भी हो गई थी और टॉमकिंस भी उन तक आ गया था। कैप्टन वहां पर गाड़ी लेकर आ गए थे, लेकिन कैप्टन के वहां पर आते ही टॉमकिंस उसे पीटकर उससे पूछता है कि उन ड्रम्स में क्या था और यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसकी वजह से सभी जोम्बी बन गए हैं। कैप्टन उनको बताता है कि यहाँ पर जेल के कैदियों पर उन लिक्विड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से सभी कैदी जोम्बी में बदल गए और अचानक वो जोम्बी उनके पीछे आ रहा था।
टॉमकिंस कैप्टन को जोम्बी के सामने फेंक कर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन चाबियां तो जोम्बी के मुंह में ही थी जो कि कैप्टन को काटने की वजह से जोम्बी के मुंह में फंस गई थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कैदियों पर चलाई जा रही थी, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का उल्टा असर होने की वजह से सभी जोम्बी बन गए थे और पूरा शहर बर्बाद हो गया था। वहाँ पर फोरेंसिक सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट इस जगह पर यही देखने आए थे कि पूरे शहर के लोग किस तरह से मारे गए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर जोम्बी भरे पड़े हुए हैं। अब एक हफ्ते पहले एक रिसर्च टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन वो भी जोम्बी के सामने मारे गए थे। और कार में जो कीड़े लाश को खा रहे थे वो एक हफ्ते पुरानी थी, जिसका मतलब यह था कि बॉडी भी उन्हीं स्टूडेंट्स की होगी। दोस्तों, ये मूवी बाकी जोम्बी मूवी से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस मूवी में ये बताया गया है कि जोम्बी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वो बाकी के जोम्बिस को भी खाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आता रहता हूँ।